में ये जा बजा मोमिनों, देखो कुरआन में ये जा बजा मोमिनों, कैसे अलकाब रब ने नबी को दिए। देखो कुरआन में ये जा बजा मोमिनों, कैसे अलकाब रब ने नबी को दिए। कहीं यासी कहा, कहीं यासी कहा, कहीं ताहा कहा, नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं। खूब नामे मोहम्मद है ए मोमिनो, जिसमें नुकता भी रब को गवारा नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निस्बत मुस्तफा भी बड़ी चीज है, निस्बत मुस्तफा भी बड़ी चीज है, जिसको निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। खुद खुदा ने नबी से ये फरमा दिया, खुद खुदा ने नबी से ये फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। खूब नामे मोहम्मद है ए मोमिनो, जिसमें नुकता भी रब को गवारा नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्दो सना किबरियाई यकताई बड़ाई तन्हाई शहनशाही हर किस्म दी वड़ियाई अल्लाह रब रहमान दी जात वास्ते, जो के साढ़े सबना दा खालिक मालिक राजिक आला कुल्ली शय इन कदीर यफ आलू मा यशा बड़ा ही बरी कबीन अल्लतीफ़ अलीमुन हकीम है। दरूद व सलाम इमाम मोहसिन इमाम अलंबिया अंजम ताहा हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात पाक वास्ते, जिन्ह दी जदोजहद कोशिश कावश कुर्बानी दे नाल दीन इस्लाम साढ़े तक पहुँचन दा सबब और जरिया बने है। सलाम उन हस्तियाँ ते जिन्ना ने नबी पाक अली सलातो सलाम दा कलमा पढ़ के आप दा दीदार करके अपने आप नू सहाबी कहलवान दा शर्फ हासिल कीता है, और उना दे शागिरद ताबेईन तबा ताबेईन आइमाए मुहद्दिसीन सलफ सालहीन औलिया शुहदा अल्लाह सबना ते करोड़ा रहमतां दा नजूल फरमाए। हजरात मुबारकबाद दे मुस्तहिक ने ओ लोग के जड़े खुशी दे अंदर भी दीन नू याद रखते ने और गमी दे अंदर भी दीन नू याद रखते ने, ना ओ दीन दे अंदर बुखल करते ने और ना ही ओ हदूदुल्ला नू करास करते ने। अल्लाह ताला ऐसे लोगों नू जब तक जिंदगी रहे दीन दे ऊपर हमेशा कायम फरमाए। आप अहबाब देख रहे हो इलाका भर तो माशाल्लाह दीन दे परवाने तड़ा तड़ तशरीफ ले आए ने, और आज दी इस बजम दे मेहमान खसूसी जनाब चौधरी रियासत अली साही साहेब माशाल्लाह स्टेज ते जलवा फरोद ने। इसी तरह इस इलाके दी खिदमत कमेटी दे सदर जनाब मुहम्मद सलीम सलफी साहब वो भी तशरीफ फरमा ने। अल्लाह ताला सबना दा आना अपनी बारगाहे आलिया दे अंदर कबूल फरमाए। मैं ताडे सामने सिर्फ इतनी को बात दसन वास्ते हाजिर होया कि इंसान दी तखलीक दा पैदाइश दा जड़ा मकसद है ओए वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, अल्लाह ताला दी बंदगी अल्लाह ताला दी इबादत
हजरात वाकिया तौर ते ही जब तक इबादत का मकसद अल्लाह ताला दी इबादत होएगा और उदे अंदर इखलास होएगा, पैगंबर अली सलातो सलाम दा तरीका होएगा, फिर वो इबादत और उस बंदगी दा हक अदा होएगा। इबादत ते असी करने हैं लेकिन पता चलना चाहिए कि इस इबादत का मकसद की है। बंदा नमाज पढ़द की मकसद है, असी रोज़े रखने हैं की मकसद है, असी कुरान पढ़ने हैं की मकसद है, असी लोगों की खिदमत करने हैं की मकसद है। इस मकसद नू समझान वास्ते मैं आप अहबाब के सामने हाजिर होया। हजरात कोई भी नेकी है बड़ी होए छोटी होए हर नेकी का मकसद अल्लाह की रजा है, अल्लाह की खुशनूदी है। मकसद ए वे रब राजी हो जाए, जिन्नी देर तक रजाए इलाही मकसूद नहीं होएगी अल्लाह दे हाँ वो अमल काबले कबूल नहीं होएगा। अल्लाह ताला उस अमल नू शर्फे कबूलियत दे नाल नहीं नवाजनगे। हजरात मिसाल दे तौर ते असी सारे मुसलमान कलमा पढ़न वाले नबी मुहम्मद अली सलातु सलाम नू मनन वाले अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे दसे होए अहकामात ते अमल करन वाले नमाज पढ़ने आ ते साडा मकसद ए ही हुंदा है कि साडे ते साडा रब राजी हो जाए। और वाकिया तौर पर ही एक मोमिन का मकसद भी यही होना चाहिए। हजरात सारे बोल के मैनू दसिया जे कि असी नमाज पढ़ने इस वास्ते कि साडे ते साडा रब, सारे बोलो साडे ते साडा रब। वो कहिंदे असी क्यों बोलीए, असी कड़ा पढ़ने वो ईद नमाज ते पढ़दे हो कि नहीं, तो फिर बोलो असी नमाज पढ़ने इस वास्ते कि साडे ते साडा रब। उची आवाज नाल बोलो। हो सकता है अज की इस मजलस साडे कोलों को मूँह विचों ऐसा जुमला निकल जाए सोना रब साडे ते राजी हो जाए, साड़ी दुनिया भी संवर जाए, साड़ी आखरत भी बन जाए। असी सारे नमाज पढ़ रहे इस वास्ते कि साडे ते साडा रब राजी हो जाए, असी रोज़े रखने इस वास्ते कि साडे ते साडा रब राजी हो जाए, असी सुलोजोई प्यार मुहब्बत हमदर्दी मिलनसारी भाईचारा इतफाको इतहाद कायम करने हैं इस वास्ते कि साडे ते साडा रब राजी हो जाए, असी गुराबा मसाकीन और यतीमा दी कफालत करने हैं, उन्हां दी असी परवरिश करने हैं, खिदमत करने हैं इस वास्ते कि साडे ते साडा रब राजी हो जाए, जिक्रो अजकार तस्बीहात करने हैं इस वास्ते कि साडे ते साडा रब राजी हो जाए। हजरात असी सारे लोग अल्लाह दी राह दे अंदर सदका खैरात करने हैं इस वास्ते कि साडे ते साडा रब राजी हो जाए। असी इस शादी दे मौके दे उपर और इस घर वाले हाँ जिन्ना अज है दीन दी बजम सजाइए, इन्ना गाना नहीं चलाया, मौसीकी नहीं चलाई, शैतान नू खुश नहीं कीता, इत्थे उलमा नू बुलाया, दीन वाले लोगों नू बुलाया इस पुरमुसरत मौके दे उपर ताकि साडे ते साडा रब बोलो राजी हो जाए। ओ यार मैं समझना इस इंसान दे कोल होर की कीमती चीज दे, एक जान है इंसान दे कोल अपनी हथेली दी उपर रख के मैदान दे अंदर कूद जांदा है अल्लाह दे दीन दे गलबे वास्ते, मजलूम मुसलमाना दी मदद वास्ते, अपने पैगंबर दी इज्जत ओ नमूस वास्ते अपने जिस्म दे टुकड़े करवा देंदा है इस वास्ते कि मेरे ते मेरा रब राजी हो जाए। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो बयान कर दें, नबी पाक अली सलातु सलाम दे कोल कुछ लोग आए ने, एक ही सवाल करते पैने, महबूब सोने सानू दसो रब किवें राजी होएगा। ओ मुसलमानों उन्हों लोगों नू पता सी दुनिया आखरत दे अंदर कामयाबी अल्लाह दी रजा दे अंदर है, रब दी खुशनूदी दे अंदर है, अल्लाह दे गहरे ताल्लुक दे अंदर है, अल्लाह दे कुर्ब दे अंदर है। महबूब सोने रब किवें राजी होएगा, सानू अल्लाह ताला दी खुशनूदी किवें मिलेगी। नबुवत वाली जबान अंदरों कोई आर्डर जारी नहीं होया, नबी पाक अली सलाम खामोश ने आसमाना तो जबरील सूरह आले इमरान दी आयत नंबर 31 लैके नाजल हो गए।
महबूब सोने तुसी इन्हां लोगां नूं आगाह कर दियो, एक अमल ऐसा है वो तुसी कर लो, ताड़े ते मैं रब राजी हो जावांगा। अमल केड़ा है? सारी कायनात दे खालिक ओ मालिक अपनी मुकद्दस किताब कुरान हकीम अंदर ऐलान फरमा रहे ने, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबियूनी युहिब्बुकुम अल्लाह यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह फरमान दिन ए मेरे सोने हबीब जी तुसी अज ऐलान फरमा दियो, जड़े लोग मेरी रजा दे मुतलाशी ने, जड़े चाहते ने साढ़े ते अल्लाह खुश हो जाए, सानू अल्लाह दी खुशनूदी मिल जाए, सानू रब दा प्यार मिल जाए। इन्हां लोगों नू दसो एक अमल ऐसा है, वो अमल तुसी कर लो। अल्लाह फरमान दिन मैं रब इन्हां ते राजी हो जावांगा। वो अमल की है? फरमाया सोने रब ने सोने तुसी इन्हां लोगों नू आगाह कर दियो कि मैनू अल्लाह ने अपना हबीब बना के इस दुनिया कायनात दे अंदर मबूस फरमाया है, ताडे वास्ते रुश्तो हिदायत दा मंबा बन के मैं अल्लाह दा नबी आया वा। तुसी सारे मिल के मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तिबा कर लो, फत्ता बियूनी मैं मुहम्मद पे कहना मेरी इत्तिबा कर लो। अल्लाह फरमांदे सोने हो तुसी एंजे आखो फत्ता बियूनी लोगो मेरी इत्तिबा कर लो, तुसी रस्मा रवाज छोड़ दियो, यहूदो नसारा दे कल्चर नू छोड़ दियो, तुसी हिंदवाना तौर तरीकियां नू छोड़ दियो, बाप दादे दे मिशन नू छोड़ दियो, तुसी सारे मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पिछे पिछे चल पवो। फत्ता बियूनी दा मतलब हुंदा है किसे दी इत्तिबा करना, इत्तिबा दा माना है पिछा करना, पिछा जिमें कोई खोजी खोज लगांदा है उवें पिछा करना। मुसलमानों तवज्जो फरमाया जे, कामयाब भी इसे चीज के अंदर असी सोने महबूब की इतिबा कर लीए, असी महबूब की सुन्नत अमल कर लीए, असी महबूब की जिंदगी अपन जिंदगी वास्ते नमूना समझ लीए। जिमें सोने नबी ने शबो रोद गुजारे ने असी उवें ही शबो रोद गुजारीए, जिमें सोने महबूब दियाँ इबादत ने असी अपन इबादत उवें बना लीए, जिमें सोने महबूब ने खुशियां कमियां निम टाइया असी खुशियां कमियां महबूब दिया खुशियां कमियां जैसियां बना लीए। असी कोई दीन दे अंदर नवा कम ना करिए, असी अल्लाह दी नाराजगी वाला कम ना करिए, कोई फौत हो जाए तद भई, किसे शादी का मौका है तद भी, कोई पैदाइश का मौका है तद भई, कोई कमी का खुशी का वेल है, असी अल्लाह दियाँ हदूद न क्रास ना करिए, असी दीन दे अंदर बुखीली भी ना करिए। इस चीज दे अंदर कामयाबी है। अल्लाह ने फरमाया ओ मेरे सोने महबूब जी, असा तानू इस दुनिया कायनात अंदर अपना हबीब बना के, अपना कासद बना के, अपना पैगंबर बना के मबूस फरमाया। तुसी इन्हां सारियां नू दसो कामयाबी इस चीज के अंदर के लोगो मैं रब दा हबीब हाँ, मैं अल्लाह ताला दे पैगाम ताडे कोल लैके आया वा, तुसी सारे मेरे पिछे लग जो, यानी मेरी इतिबा कर लो, मेरी जिंदगी नू अपनिया जिंदगियां वास्ते नमूना समझ लो, तुसी कामयाब हो जावोगे। अल्लाह फरमा दिन ओ लोगो जेड़ा मेरे सोने मुहम्मद दी इतिबा कर लवेगा, फरमाया उनू दो इनाम मैं रब देवांगा। पहला इनाम की है? फरमाया युहिब्बुकुमुल्ला Allah
अल्लाह फरमांदे ने जिहड़ा मेरे पैगंबर दी गल मन्नेगा ओ कामयाबी पैगंबर दी तात दी अंदर है। खाली मैं आखा मैं नबी दा मुहिब्बा, लेकिन जदों गुनाह दा मौका मिले मैं गुनाह भी कर लवां, मेरिया तन्हाइयां भी ना पाक होवन, मेरिया मजलसा भी ना पाक होवन, खुशी दा मौका आए हदूदुल्लाह नूं क्रॉस करां, गमी दा मौका आए अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे तरीकियां नूं भुल जावां, नहीं नहीं फरमाया जिहड़ा मेरे पैगंबर दा पिछा करेगा, जिहड़ा मेरे पैगंबर दी बात मन्नेगा, जिहड़ा मेरे पैगंबर दी इत्तिबा करेगा, अल्लाह फरमांदे युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं रब उस बंदे नाल मुहब्बत कर लवांगा, मैं अल्लाह ओदे ते राजी हो जावांगा। और दूजा इनाम फरमाया वा यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, उस बंदे दी जिंदगी दे गुनाहां नूं माफ कर दिता जाएगा, कम किए पैगंबर दी इतात करनी है, अल्लाह दी मुहब्बत मिल जाएगी, अल्लाह दी रजा मिल जाएगी, जदों अल्लाह दी रजा मिल जानी गुनाहां दी माफ़ी मिल जाएगी। ते अल्लाह फरमांदे ने साडा ते फिर कानून इल्ला मन ताबा वा आमना वा मिला अमलन सालिहा फाउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, यानी जिहड़ा बंदा पैगंबर दी इत्तिबा करेगा उन्हूं अल्लाह दी मुहब्बत मिल जाएगी, गुनाहां दी माफ़ी मिल जाएगी। ते इस आयते करीमा दी अंदर अल्लाह ताला फरमांदे ने जिहड़ा बंदा गुनाहां तो तौबा कर लवे, बुराइयां तो मुँह फेर लवे, गाने ना सुने, मुसीकियां ना सुने, म्यूजिक ना सुने, रस्मां रवाजां च ना पवे, यहूदो नसारा दे तौर तरीके अंदर ना पवे, नबी दी सुन्नत नबी दी सुन्नत ते अमल करे, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल वाल रजू कर लवे, रजू दा मतलब अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी बात मन लवे, साबका बुराइयां तो तौबा कर लवे। अल्लाह फरमांदे ने फिर असीं उंदे गुनाह ही माफ़ नहीं करदे, बल्कि साबका गुनाहां नूं भी अल्लाह फरमांदे ने असीं नेकियां बना देने आ। करना की पाएगा, नबी दी इत्तिबा करनी पाएगी। ओ यार असीं मुसलमान आ, लेकिन मुसलमान अज दा बहुत दूर चला गया है, पैगंबर दी सुन्नत नूं भुल गए आ, पैगंबर दी बात असी अमल कोई नहीं कर दे, नबी अली सलातो सलाम दी सुन्नत असी अमल कोई नहीं कर दे। सच्चियां मुहब्बतां यार किन्ना लोगों ने कीतियां, वेखो ना मक्के दे अंदर, ओ यार किवें फिर मुहब्बतां उन्हां लोगों दियां, इतातो ताबिया धारी उन्हां लोगों दी, माल भी दिता नबी अली सलाम दे सामने, औलादां भी पेश कर दितियां, हत्ता के अपनियां जानां भी पेश कर दितियां, घर बार पैगंबर दी खातर छोड़ दिता, अजीतां पैगंबर दी खातर बर्दाश्त कर लिया। वेखो ना मुसलमानो, ओ कौन है यार उंदा होर की कम सी, सिर्फ नबी दी मुहब्बत। प्यारे खुबैब मक्के दे चौक अंदर सूली ते लटकना गवारा कर लिया, लेकिन पैगंबर दी मुहब्बत अंदर फर्क नहीं आन दिता। सुहेब रूमी ने अजीतां बर्दाश्त कर लिया, नबी दी मुहब्बत अंदर फर्क नहीं आन दिता। तू ते मैं आ, थोड़ी थोड़ी बात डोल जाने, नबी नू भुल जाने, नबी दी सुन्नत नू भुल जाने, नबी दे तरीके नू भुल जाने, नबी पाक अली सलाम दे फरामीन नू असी फरामोश कर देने। वेखो ना यार प्यारी सुमैया इस्लाम दी सब तो पहली शहीदा हजरत यासर रदी अल्लाहू ताला अनहो दी बीवी है, पैगंबर दी तातो ताबिया दारी दी अंदर जिसम दे दो टुकड़े करवा ले, लेकिन नबी दी मुहब्बत अंदर फर्क नहीं आन दिता। बिलाल नू अग ते लेटना गवारा, लेकिन नबी दी मुहब्बत अंदर फर्क नहीं आन दिता। काबातुल्ला दे सेन दे अंदर प्यारे सदीक नू मार मार के बेहोश कर दिता गया, ओ यार तकलीफां बर्दाश्त कर लिया, लेकिन नबी दी मुहब्बत अंदर फर्क नहीं आन दिता। वे
देखो ना मक्का छोड़ना गवारा कर लिया। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने घर वाले भी उथे रह गए, मालो मता भी उन्हें छीन लिया, पैरों नंगे मदीने पहुंच गए। मुसलमानों लेकिन नबी दी मुहब्बत अंदर फर्क नहीं आन दिता। अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन दे बदन तो कपड़े भी उतरवा ले गए, लेकिन नबी दी मुहब्बत अंदर फर्क नहीं आन दिता। अब्दुल्ला बिन हुदाफा सहमी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो दे साथियां नू तेल दे बलदे कढ़ायां विच नदरां दे सामने सुटिया गया। अब्दुल्ला बिन हुदाफा सहमी नबी दी मुहब्बत अंदर फर्क नहीं आन दिता। ओ मैं क्यों ना मुसलमानों फिर तबसरा करदा जावां, उन्हां दित्तियां ने जाना नाले माल दीते ने, उन्हां दित्तियां ने जाना नाले माल दीते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दीते ने। सारे कहो सुभान अल्लाह, नहीं नहीं उच्ची आवाज नाल कहो सुभान अल्लाह। मेरे बड़े भाई मौलाना मोहसिन हमीद साहब माशाल्लाह तुहानू कह रहे सन, लेकिन तुसी टस तो मस नहीं हो रहे सी। वाह सलाम हुण हकीम साहब आ गए ने, तो जे मजीद हकीम साहब की जरूरत है तो उन्हां कोल अखवा देने। सारे उच्ची आवाज नाल कहो सुभान अल्लाह। उन्हां दित्तियां ने जाना नाले माल दीते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दीते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दीते ने। आका दे इशारियां तो कुर्बान हो गए। जिन्ना लोगों ने नबी नाल मुहब्बत की, नबी दे दीन नू समझिया, नबी दे दीन नू अपनाया, अपनियां जिंदगियां दे अंदर नबी दे दीन नू नाफद कीता, उन्हां लोगों की बात सुनो मुसलमानों, आका दे इशारियां तो कुर्बान हो गए, आका दे इशारियां तो कुर्बान हो गए। उन्हां लिते जन्नतां दे ईलान हो गए, उन्हां लिते जन्नतां दे ईलान हो गए। घर बार उन्हां सोने उत्तों वार दिते ने, उन्हां दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने। नबी पाक अली सलातु सलाम दे नाल मुहब्बत तबूक दे बारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दे बारे आंदा है कि तबूक वास्ते नबी पाक ने ऐलान किया। वेखो उन्हां लोगों की मुहब्बत, प्यारे सदीक ने अपने घर का सारा समान ले आंदा, सोने खुदूर दे कदमां विच रख दिता। उमर उठे घर का अद्धा समान ले आंदा, हदूर दियां नदरां दे सामने रख दिता। उस्मान उठे मुसलमानों 900 ऊंट 100 घोड़ा ले आके हदूर दियां नदरां दे सामने खड़िया कर दिता। 5 किलो सोना भी लैके आ गए। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ उठे 29 किलो चांदी ते 5 किलो सोना भी लैके आ गए। हजरत इब्ने अदी उठे 13,000 के जी खजूरां भी लैके आ गए। यार पैगंबर दा इशारा चाहिदा सी, ते जदों जान दी वारी आई तुसी बिलाल नूं ही देख लो। ओ मुसलमानों दरा तवज्जो फरमाया जे, सोने बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो दा तज़करा। हबशी नूं वेख लो जरा भी नी डोलिया, हबशी नूं वेख लो जरा भी नी डोलिया, बलदियां कोलियां ते हौले नहीं जे बोलिया, बलदियां कोलियां ते हौले नहीं जे बोलिया। किवें सानू हौसले बिलाल दीते ने, उन्हां दित्तियां ने जाना नाले माल दीते ने। ते प्यारे सदीक दी मुहब्बत वेखो, ओ मुसलमानो तवज्जो फरमाया जे। प्यारे सदीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो सोने हुदूर दे नाल किवें मुहब्बत है। आका नू नबी पाक अली सलातु सलाम दे नाल, प्यारे महबूब अली सलाम नाल, हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो दे मुसलमानों ताल्लुक दी बात आवे, हजूर अली सलातु सलाम दे प्यार दी बात आवे, किवें सोने खुदूर नाल उन्हां प्यार कीता। मैं दसना चाहना वा यार, उन्हां दीन नूं एवें अपनाया, दीन ते एवें अमल कीता, नबी दी सुन्नत नूं एवें अपनाया। लेकिन एक पासे मैं भी मुसलमान
मुसलमान, एक पासे तू भी मुसलमान, लेकिन साड़ी मुसलमानी ते साड़ा ईमान। वेखो ना मुसलमान नबीए पाक अली सलातू सलाम दे सहाबाए कराम ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की बात करिए ते पूरी पूरी किताब लिखी गई है। एक दिन हजरत नाफे ताबी ने बड़े मशहूर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अनहो दे शागिर्द दोनों कट्ठे जाई जा रहे ने। एक रास्ते दे अंदर एक जगह ते म्यूजिक दी आवाज, गाने दी आवाज, मौसीकी दी आवाज कन्ना दे अंदर पै गई। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अनहो ने अपने कन दोनों उंगलियां दे नाल बंद कर ले और दूर जाके उंगलियां कढ़िया नहीं। कहन लगे ओ नाफे क्या आवाज आ रही है जाके बंद हो गई है। नाफे कहन लगे उस्तादे मोहतरम आवाज ते बड़ी देर दी बंद हो गई है, कन्ना विचों उंगलियां कढ़िया नबी दी सुन्नत नबी दे यारा ने किवें अमल कीता। कन्ना विचों उंगलियां कढ़िया कहन लगे ओ नाफे मेरे पुत्री मैं भी एक दिन एवें नबी पाक दे नाल जाई जांदा सी, हुजूर दे नाल एक सफर दे अंदर सी, मैनू आवाज मेरे कन्ना दे अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कन्ना दे अंदर म्यूजिक दी आवाज पई, ऐदा मैनू अच्छी तरह याद एवें ढोल ढमक के या कोई इस तरह दी शैतानी आवाज पई। हुजूर ने अपने कन बंद कर लए, दूर जाके मैनू उन्हां पुछिया अब्दुल्ला आवाज आ रही है कि बंद हो गई है। मैं आखिया ए अल्लाह दे रसूल जी आवाज ते बड़ी देर दी बंद हो गई। हुजूर ने कन्ना विचों उंगलियां कढ़िया कहन लगे नबीए पाक अली सलातो सलाम दी उस सुन्नत अज मैं अमल कीता है। रास्ते विच जाई जा रहे एक रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते ते हो गए। यारां बेलियां ने आखिया अब्दुल्ला ए की होया, कहिंदे ए मैं नबी पाक दे नाल इस रास्ते तो गुजरिया, नबी पाक ने ए रास्ता छोड़ के ए रास्ता इख्तियार कर लिया, जिहड़ा सोने ने रास्ता छोड़िया मैं अब्दुल्ला किवें इख्तियार कर लव, जिन्हों सोने ने पसंद किया मैं किवें उन्हों छड़ देव। अबू अयूब अंसारी की मौजूदगी दे अंदर नबीए पाक अलैहि सलाम लई खाना आया। हजूर ने फरमाया लोगो मैं लसन नहीं खाँदा, मैं प्याद नहीं खाँदा, इहदा मतलब ए भी नहीं कि खाना हराम है। नबीए पाक अलैहि सलाम ने फरमाया अबू अयूब रदी अल्लाह ताला अनहो भी मौजूद ने कि कोई और खाना खा लवे। लोगों ने आखिया अबू अयूब खाना तू खा ले, नबीए पाक अली सलाम नु प्याद पसंद नहीं, नबीए पाक अली सलाम ने नहीं खादा। अबू अयूब कहंदन जेड़ी शै नु हुजूर ने छड़िया है मैं किवें उस शै नु पसंद कर लवां। यार वेखो नबी दी सुन्नत ते अमल, नबी दे तरीके ते अमल, नबी नाल किवें मुहब्बत। आप फरमांदन इब्ने उसैद बड़ा अच्छा आदमी, अगर वाल कटा लवे अपना कपड़ा टखनियां तो पर कर लवे, जदों उन्हों पता चलिया फौरी तौर पर बालों की कटिंग करवा ली, अपना कपड़ा टखनिया तो उपर कर लिया। नबीए पाक अली सलाम ने फरमाया औरतों चाहिए जदों बाजारों में जावन तो एक पासे हो के चलन, दिवा बाजारों के दरम्यान के अंदर ना चलन। सहाबियात बयान कर दिया ने नबी पाक अली सलातु सलाम के इस फरमान से इन्ना अमल होया कि सहाबियात दीवारों के नाल खिसड़ किस सड़के चल दियां जा रही ने। मुसलमानों तवज्जो फरमाओ नबी दी सुन्नत ते अमल। हजरत इमाम बुखारी कहंदे ने लोगो जिस दिन दा मैं सुनया है गीबत करना हराम है, उस दिन तो बाद अज तक मैं कदे भी गीबत नहीं कीती। मुसलमानों हजरत इमाम मालिक कहंदे ने नबीए पाक अली सलातो सलाम दी बात दे नाल अगर मेरी बात दा मुकाबला होवे मेरी बात नूं छोड़ दियो हजूर दी बात नूं लै लो। अबू हनीफा रहमतुल्लाह कहंदे ने अगर नबी पाक दी बात आ जाए उहदे मुकाबले विच महसूस करो कोई मेरा कौल आ गया है, मेरा कौल उठाओ दीवार नाल मारो, सोने हुजूर दी बात नूं सीने नाल ला लो। हजरत इमाम शाफी कहंदे ने अगर नबी पाक दे मुकाबले दे अंदर कोई मेरा फरमान आ जावे, नबी पाक दे फरमान दे मुकाबले अंदर कोई मेरा कौल आ जावे मेरा कौल छोड़ दियो नबी पाक दी बात नूं लै लो। यार उन्हां लोगों ने किवें सुन्नतां ते अमल कीता, लेकिन अफसोस है अज दे नौजवानां ते जिन्हां दियां तन्हाइयां ना पाक हो गईयां ने। ओ मुसलमानों
कलमा पढ़ वाले घरानिया के अंदर अच्छे भले दीनदार घरानिया के अंदर रस्मां भी ने, रवाज भी ने, गाने भी चल रहे ने और कंजरां दे उपर पैसे सुट सुट के जाया कीते जा रहे ने। अल्लाह रब्बे जुल जलाल की नाराजगी भी लै रहे ने, शैतान नू खुश भी कर रहे ने। अफसोस ऐसे तेरे कलमा पढ़न दे उपर, अफसोस ऐसे तेरे उम्मती होण दे उपर। एक पासे फ्रांस के अंदर साढ़े नबी की बेहुरमती हो रही है और एक पासे एक कलमा पढ़न वाला मुसलमान नबी दियां सुन्नतां नू पमाल कर रहा है, नबी दियां सुन्नतां नू फरामोश कर रहा है, पसे पुछ डाल रहा है। ओ जे मुहब्बत वेखनी है प्यारे अबू बकर सदीक दी देखो, बदर दे मैदान दी अंदर ने सामने कई बारी जनाबे वाला बेटा आया, मौका पाया, बेटा जरूर है लेकिन नबी दा गुस्ताख है, मैं दी गर्दन तन तो जुदा कर दिया। अब्दुल रहमान प्यारे अबू बकर दा बेटा जदों मुसलमान हो गया, एक दिन घर विच बैठे हैं, कहन लगे अबू जान कई बारी मेरे वार दे नीचे तुसी आए, मैं बाप समझ के छोड़दा रहा। प्यारे सदीक ने किया, ओ मेरे पुत्री अगर तू एक बारी भी मेरे वार थले आ जांदा तू मैनू बाप समझ के छोड़दा रहा, मैं तेनू नबी दा गुस्ताख समझ के लभदा रहा, एक बारी भी वार नीचे आ जांदा मैं तलवार मार के तेरी गर्दन तन तो जुदा कर देंदा। ओ इदां दियां मुहब्बतां करो मुसलमानो, सुखियां मुहब्बतां दा कोई फायदा नहीं, खाली नारियां दा कोई फायदा नहीं, फोके दावियां दा कोई फायदा नहीं, वेले उम्मती बनन दा कोई फायदा नहीं, जबानों कल्ला कलमा पढ़ लैन दा कोई फायदा नहीं। प्यारे उस्मान नू हुदैबिया तो नबी पाक अली सलातो सलाम ने सफीर बना के भेजिया, उस्मान मक्के चले गए क्योंकि उस्मान दे चाचे दे बेटियां दे कोल बैतुल्ला दियां चाबियां सन। प्यारे उस्मान ने किया मैनू सोने महबूब ने भेजिया, असी जंग करन नहीं आए, असी ते उमरा करन आए आ, सानू उमरा कर लैन दियो। ओ मक्के वाले कहन लगे उस्मान तू जमजम पी लै, तू उस्मान इत्थे तवाफ कर लै, तू उस्मान हजरे असवद नू बोसे दे लै, लेकिन तेरे नबी मुहम्मद नू असी इत्थे उमरा नहीं करन देना। उस्मान कहंदन अल्लाह दा घर जरूर है, जमजम पीन दा अजर जरूर है, हजरे असवद नू बोसे देन दा सवाब जरूर है, तवाफ नाल गुनाह जरूर मिट देन, लेकिन मैं उस्मान दी की जरूरत है जिन्नी देर तक मेरा नबी इत्थे उमरा नहीं करेगा मैं उस्मान भी नहीं करांगा। प्यारे अली दा बाप फौत हो गया, अबू तालिब दी मैयत घर अंदर पई है, अली दी मुहब्बत बाप नालों ज्यादा नबी दे नाल है, अली नबी दे दरवाजे ते खड़े ने। महबूब सोनिया हुक्म फरमाओ तजहीदो तकवीन च मैं शरीक होवां या ना होवां, फरमाया अली जा गड़ा खोद के विच राख के उपर मट्टी पा दी। अबू बैदा इब्नुल जर्राह बदर दे मैदान दे अंदर सक्का बाप कई बारी नजरां दे सामने गुजरिया, दिल कीता तलवार मार के गर्दन तन तो जुदा कर दिया, लेकिन कहन लगे शायद अल्लाह इनू तौबा दी तौफीक दे देवे, जहन्नम दी अग तो बच जावे। और मुसलमानों बाप बाज नहीं आया, नबी दा गुस्ताख सी, बेटा नबी दा मुहिब सी, बेटे नू मारन वास्ते अगे बढ़िया। अबू उबैदा ने तलवार मारी, बाप दी गर्दन उतारी, बदर दे मैदान दे अंदर प्यारे उमर नबी दे गुस्ताख अपने मामू दी गर्दन उतार दे नजर आ रहे ने। मुसअब बिन उमैर सिक्के पाई उबैद बिन उमैर दी गर्दन उतार दे नजर आ रहे ने क्योंकि वह नबी दे गुस्ताख सन। उन्हें नहीं वेखिया ए बाप है नाराज हो रहा है, सारा खानदान छुट जाएगा, सारा खानदान गल्लां करेगा, नहीं उन्हें सारी दुनिया बर्बाद कर लीए, सोने मुहम्मदी बात नू ना आबाद कर ले, सोने नबी दी बात ते अमल कीते, नबी दे तरीके नू अपनाया, दीन नू अपनाया, सच्चे मुसलमान बने ने। मुअव्वद और माद दे सामने नजरां दे सामने अबू जहल, अबू जहल दियां नजरां जनाबे वाला मुहम्मद रसूलुल्लाह ते, लेकिन मुअव्वद और माद दियां नजरां अबू जहल नबी दे गुस्ताख दे उपर गर्दन उतार दीती क्योंकि नबी दा गुस्ताख सी। नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा ए काब बिन अशरफ यहूदी मैनू गालियां देंदा है। नबी पाक अलैहि सलाम दा एक परवाना मुहम्मद बिन मसलमा खड़ा होया, सोने इजाजत दियो, गया ओदी गर्दन तन तो जुदा कर दीती। नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा अबू राफे यहूदी मैनू गालियां देंदा है। अब्दुल्ला बिन अतीक उठे जाके ओदी गर्दन तन तो जुदा कर दीती। इब्ने खतल गाबादुल्ला दे गुलाफ अंदर छुप गया। नबी पाक अली सलाम दा परवाना अबू बरदा असलमी अगे बढ़िया गर्दन तन तो जुदा कर दीती। ओ नबी नाल एवें दियां मुहब्बतां करो, ओ अज काफर गुस्ताखियां कर रहे जे मुसलमानों काफरां
ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੀ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਫਲੈਕਸਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਅਸ਼ਿਆ ਔਰ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜਾਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮੁਹੱਬੋ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏ ਨਬੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਗਮੀ ਹੋਏ ਨਬੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਬੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਸੌਣ ਜਾਗਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਇਸਲਾਮੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਰਸਮਾਂ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਰਿਵਾਜ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਦੇ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠੀਏ, ਸੋਹਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹੌਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਫਾਤ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਾ ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।